IPL 2021 के लिए कुछ खिलाड़ियों के ट्रेड की खबरें आ रही हैं। वो कौन से तीन बड़े खिलाड़ी हैं, इस वीडियो आपको हम पढ़ जाएंगे जो कि ट्रेड हो सकते हैं। तो पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। पहला खिलाड़ी हमारी लिस्ट में आता है जो है दोस्तों मयंक मार्कंडे। ये खिलाड़ी जो RR की टीम में है इस समय, और खिलाड़ी ने IPL 2020 में किसी मैच को नहीं खेला क्योंकि ये चोटिल थे दोस्तों। तो अब RR की टीम इन्हें ट्रेड करने के बारे में सोच रही है। CSK उन्हें ट्रेड करना चाहती है क्योंकि CSK में कोई भी एक अच्छा स्पिनर नहीं है, लेग स्पिनर। पीयूष चावला, इमरान ताहिर और करण शर्मा ये तीनों ही बहुत ही ज्यादा उम्र दराज हो चुके हैं। अगर करण शर्मा खेलते भी है तो उनका फॉर्म नहीं आ रहा है, तो इस वजह से कोई नया स्पिन बॉलर चाहिए जो कि बहुत ही अच्छी लेग स्पिन फेंक सके। जडेजा को एक अच्छा पार्टनर चाहिए बॉलिंग में, तो वो हो सकते हैं मयंक मार्कंडे। CSK जरूर इन्हें ट्रेड करना चाहेगी। अब वो ट्रेड पैसों से होती है या फिर किसी खिलाड़ी के लेन देन से, अब वो हमें देखना होगा। बात करते हैं दूसरे खिलाड़ी की जो है दोस्तों दिनेश कार्तिक। वो हो सकते हैं दिल्ली की टीम में ट्रेड। मोहम्मद कैफ और रिकी पॉन्टिंग बहुत ही समय से बात कर रहे हैं दिनेश कार्तिक से, क्योंकि दिनेश कार्तिक KKR की टीम से तो रिलीज होंगे ही, इस वजह से दिल्ली की टीम उनसे बात कर रही है और जरूर ये ट्रेड फाइनल हो जाएगी दोस्तों। क्योंकि दिल्ली में ऋषभ पंत की इंजरी हो गई थी, उसके बाद एलेक्स कैरी को खिलाया गया था और हेटमायर को बिठा दिया गया था, इस वजह से मिडिल ऑर्डर में थोड़ी समस्या आ चुकी थी। एलेक्स कैरी का फॉर्म नहीं था, वो अच्छे हिट नहीं लगा पा रहे थे, इस वजह से अगर दिनेश कार्तिक टीम में होते हैं, ऋषभ पंत अगर चोटिल हो भी जाते हैं या फिर दिनेश कार्तिक चोटिल हो जाते हैं, विदेशी खिलाड़ी को बाहर नहीं बिठाना पड़ेगा जैसे कि हेटमायर, उन्हें बाहर नहीं बिठाना पड़ेगा, इस वजह से दिनेश कार्तिक को टीम में लिया जा रहा है। और भी बहुत सारे कारण हैं कि टीम में लिए जा रहे हैं और बहुत ही अच्छी फॉर्म में भी है, इस वजह से दिनेश कार्तिक की मांग की जा रही है दिल्ली कैपिटल्स की टीम में। तीसरा खिलाड़ी हमारी लिस्ट में है दोस्तों जो है केन विलियमसन। दोस्तों SRH की टीम मेगा ऑक्शन आते ही बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी है, बहुत ज्यादा सवाल आ चुके हैं उसकी टीम पर, क्योंकि दोस्तों मोहम्मद नबी, राशिद खान, डेविड वार्नर, जॉनी बेस्टो, केन विलियमसन, जेसन होल्डर, ये छह खिलाड़ी मेन खिलाड़ी उनके हैं। अब छह में से किसी चार खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में वो रखते हैं और मेगा ऑक्शन में सिर्फ दो खिलाड़ी को रिटेन किया जा सकता है, तो ये बहुत सारी समस्या आ चुकी है इनकी टीम पर। अगर वो डेविड वार्नर और राशिद खान को रिटेन कर लेते हैं और जेसन होल्डर और जॉनी बेस्टो को किसी तरह से खरीद लेते हैं, तो केन विलियमसन और मोहम्मद नबी को नहीं खरीद पाएंगे, तो ये खिलाड़ी ट्रेड हो सकता है जो कि है केन विलियमसन। केन विलियमसन के पीछे जाएगी CSK की टीम, क्योंकि दोस्तों CSK के मिडिल ऑर्डर में बहुत ज्यादा समस्या आ चुकी है, इस वजह से मिडिल ऑर्डर में केन विलियमसन को खिलाना चाहेंगे। शेन वॉटसन की जगह पर इस खिलाड़ी को केन विलियमसन को लिया जाएगा और केन विलियमसन CSK में आ सकते हैं, ये ट्रेड सक्सेसफुल हो सकती है दोस्तों। तो ये तीन खिलाड़ी की ट्रेड की न्यूज आ रही थी। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, कौन से खिलाड़ी किस टीम में जा सकते हैं और ये ट्रेड सक्सेसफुल हो सकती है या नहीं, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और चैनल पर नए हो, ऐसी अपडेट चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।